हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ बच्चों, आज हम आपकी हिंदी बसंत का चैप्टर टू दादी माँ रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर टू है आपका दादी माँ। क्या नाम है चैप्टर का? दादी माँ। ओके, और इस चैप्टर की जो लेखक हैं वो हैं बच्चों शिव प्रसाद सिंह। क्या नाम है लेखक का? शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, रीडिंग करते आइए। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुझ पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता के लिए से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बाहर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हैं पानी में सड़कर विचित्र गंध पैर छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाकों से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, चिवड़ा पोहे को बोलते हैं बच्चों, जो यहाँ पे पोहा होता है उसे चिवड़ा बोला जाता है बिहार में, दुख नहीं। चेत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर उड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद टपके हुए जल की शीतलता, आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिशाली के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी झाग पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और 200 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं का इनाम याद थे। गाँव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्र जलधार, गूगल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शायद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन में पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग ही जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती बहुत बुलाने पर दादी माँ बहन बुराने मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनके अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा, बाहर है निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। सोने होगा धनो, रुपये मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल
करने फसल मैं दूंगी, फसल मैं दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती, दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी आप दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, हट हट अभी ना के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, जाने तो दादी मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है दे देगी कभी, चल चल चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मेरी दादी को पूतों फलों दूधों नानों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहलवल होकर कहा, उन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, 10 रुपये के लिए असाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देखकर डांटे भी न तो भला लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है, विवाह के 4-5 रोज पहले से मैं ही सही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है, यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं, सभी पार्ट औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वही बारात जाने के बाद पहुँचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही चारपाई पर चादर रखा दादी मन चुपके सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस दूँ भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक नहीं सकी और भंडा फोड़ हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली, कहो दादी ये बच्चा कौन सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई, दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। उसको तो किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभेदान मिल जाता। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियाँ का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उजास रहती, संसार में धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उस समय धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे बेचकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में चुए दोस्तों की सब चिंता की स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के साथ में दादी माँ के मना करने पर भी चिंता जी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाई का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की सीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आँखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे तू क्या क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूँ बताओगी ना। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण आँखों को और देखा। क्या है पूछ, तू रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी अब खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वो मुझे खींचती रसोई में ले गई। उसमें मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो पिछले ही बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोते क्यों हैं रे, दादी माँ उनका माथा चलाते हुए, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती चीज़ बाहर निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, उसका गला भराया, मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ, यहाँ उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग अब आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शाबृष्ट देवी से लगी, धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक को अपनी घिनौनी काली पाँखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चिट्ठियों की सी कतारें धूमिल हो रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही, यानी दादी माँ जो थी वो मर जाती है। ठीक है बच्चों आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है, उसके बाद मैं इसको आपके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी हिंदी पसंद की फेयर कॉपी में नोट डाउन करने हैं। ओके, ऑनलाइन करने हैं। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।